अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। इस वीडियो में हम प्रीटियर की एक्सटेंशन को वीएस कोड में इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करते हुए अपने कोड को फॉर्मेट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रीटियर की एक्सटेंशन को वीएस कोड में इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले वीएस कोड को ओपन कर लें और एक्सटेंशंस के आइकॉन पे क्लिक करें। यहाँ पे प्रीटियर लिखकर सर्च करें। पहली एक्सटेंशन आपके पास आएगी, इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है, इसको क्लोज कर दें और एक कोड की फाइल को ओपन कर लें। यहाँ पे मैंने ये एक HTML की कोड की फाइल ओपन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोड बिल्कुल भी फॉर्मेट नहीं है। इस कोड को हम प्रीटियर को यूज़ करते हुए फॉर्मेट करेंगे। प्रीटियर को यूज़ करने के आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। आप राइट क्लिक करें एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करें। ये आपसे जब फर्स्ट टाइम जब आप प्रीटियर को इंस्टॉल करेंगे, ये आपसे एक डिफॉल्ट फॉर्मेटर को कॉन्फ़िगर करने का पूछेगा। आप कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से प्रीटियर पे सिलेक्ट कर दें और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपरली फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को खराब करूँगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि हमने एक दफ़ा प्रीटियर को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर सेट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली प्रीटियर को यूज़ करते हुए इसे फॉर्मेट कर देगा। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन ना आए तो आप कमांड शिफ्ट पी प्रेस करें, कमांड पैलेट को ओपन करें और यहाँ पर फॉर्मेट लिखकर सर्च करें। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर कन्फिगर डिफॉल्ट फॉर्मेटर पर क्लिक करके प्रीटियर पर क्लिक कर और इसी के साथ अब आप जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये प्रीटियर को यूज करते हुए आपकी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देगा। नेक्स्ट हम इस चीज को कॉन्फ़िगर करेंगे कि जब भी आप फाइल को सेव करें, ये ऑटोमेटिकली प्रीटियर को यूज करते हुए आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्मेट कर दे। उसके लिए आप सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक करें और सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहां पर आप सेव क्लिक करें और सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मेट ऑन सेव, इसको चेक कर लें। मैं इस फाइल में वापस आऊँगा और यहाँ पर एक चेंज करके इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गई है, मुझे राइट क्लिक करके फॉर्मेट नहीं करना पड़ा। लास्ट एक ऑप्शन जो हम स्टडी करेंगे वो ये है ऑटो सेव। यहाँ पर मैं ऑटो सेव लिख कर सर्च करूँगा और फर्स्ट ऑप्शन आएगा फाइल्स ऑटो सेव। मैं इस पर क्लिक करके यहां पर एंटर कर दूंगा ऑन फोकस चेंज और इसको सेव कर दूंगा। मैं बाकी ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आफ्टर डिले आपको एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि 5 सेकंड के बाद इस फाइल को सेव कर लो, 10 सेकंड के बाद। ऑन फोकस चेंज का मतलब है कि मैं इस टैब में हूं, मैं टैब चेंज करूंगा, इस टैब का फोकस आउट हो जाएगा तो ये टैब में जो चेंजेस होंगे वो सेव हो जाएंगे। और ऑन विंडो चेंज का मतलब है कि मैं वीएस कोड की विंडो से किसी दूसरी विंडो में शिफ्ट कर जाऊं, मतलब मैं वीएस कोड से क्रोम ब्राउजर पे शिफ्ट कर जाऊं या फिर कोई और विंडो ओपन कर लूं, उसका मतलब होगा ऑन विंडो चेंज। मैं यहां से ऑन फोकस चेंज को सिलेक्ट करूंगा ताकि जब भी मैं टैब को चेंज किया करूं तो जिस टैब में अनसेव चेंजेस हों वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। मैं इस टैब में आऊँगा और यहाँ पर एंटर करके सिर्फ और सिर्फ टैब को चेंज करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव भी हो गई है और फॉर्मेट भी हो गई है। ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप प्रीटियर को वीएस कोड में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रीटियर को डिफॉल्ट फॉर्मेटर किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वीएस कोड में फाइल को ऑटोमेटिकली सेव उसकी ऑप्शन को किस तरह सेट कर सकते हैं और लास्टली जो फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन है उसको किस तरह सेट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।